हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुचल गहलोत। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में बोले 2060 मॉडल। तो आज इसकी हम वॉशिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है। ये यहाँ से आप नज़र लगा सकते हैं उधर से कि कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है सब जगह से। मतलब पूरी गाड़ी फैली पड़ी है गंदी तरीके से। इतने दिन चल रही है तो देख सकते हैं अंदर का जो साथ देख सकते हैं इसकी ऐसी हालत हो रखी है बिल्कुल खस्ता। ये यहाँ पर देखिए नीचे क्लैडिंग देख लीजिए, साइड की क्लैडिंग बिल्कुल गंदी हो रही है। यहाँ पर देखिए ये आप समझ सकते हैं इंटीरियर देख सकते हैं इसका बिल्कुल गंदा हो चुका है। पूरा नीचे फ्लोर बिल्कुल गंदा हो चुका है। इधर गंदा है जो हमारा मीटर है, मीटर कंसोल ये पूरा गंदा हो गया है। तो आज इसे हम एक प्रॉपर वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग क्लीनिंग जो सब अपन से हो सकता है घर पर। तो हम तो फ्रेंड्स हमारे बोलेरो को वॉशिंग करने के लिए हमारे पास प्रेशर वॉशर है, SF का स्पीड फ्लो प्रेशर वॉशर, हाई प्रेशर वॉशर है। देख सकते हैं आप कि इसमें हमको क्या क्या मिलता है। इसमें हमको एक नली मिल जाती है जो पानी के अंदर रहती है, 20 फीट की आउटर नली मिलती है, एक फॉर्म कैन मिलता है वो भी काम नहीं देगा अपने को, और ये है हमारी हाई प्रेशर मोटर। इसके साथ एक गन मिलती है जो ये है, इसका इनलेट फिल्टर है देख सकते हैं आप। तो हम वॉशिंग करके बताते हैं, इसको पूरा सेटअप करते हैं। तो मैं आपको इसका अलग से वीडियो में अलग से रिव्यू दूंगा कि इसको कैसे फिट करते हैं, कैसे चलाते हैं, तो क्या पता। तो चलिए अभी इसको सेट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या है क्या नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रेशर मोटर जो है वो हो चुकी है तैयार। तो ये हमारा प्रेशर मोटर हो गया चालू। तो मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूँ। देखो यहाँ कितना सारा मर लग रहा है, कितना कीचड़ लग रहा है। ये सिर्फ कुछ सेकंड में हटा डालेगा यार। देख सकते हैं आप लोग चंद सेकंड में यहाँ से कीचड़ पूरा हटा डाला है इसने। तो पूरी गाड़ी को वॉश करते हैं अपन। तो हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने गाड़ी वॉशिंग कर ली है थोड़ी बहुत, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बिल्कुल क्लीन कर दिया। ये पार्ट आप देख सकते हैं, इधर ये व्हील के आप देख सकते हैं, और इधर आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाली जगह है अपनी बिल्कुल क्लीन। दूर से दिखाता हूँ ये। तो प्रेशर अगर मैं आपको चेक कराऊँ, रियल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो आप देख सकते कितनी मिट्टी लग रही है यहाँ पर। और ये अभी थोड़ी देर में निकल जाएगी। देखो मशीन चालू करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, जैसा फोकस करता हूँ एक मिनट। देखिए आपने मतलब पूरी गाड़ी पे जो पानी है वो अच्छे से मार लिया है, और गाड़ी की जितनी मतलब धूल और कीचड़ लगा था वो सब निकाल दिया है। तो अब इस पर जो है शैम्पू को अप्लाई करेंगे। शैम्पू मतलब फॉर्म वॉश तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके का है डिब्बा। तो इसको यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलते हैं फॉर्म वॉश की तरफ। तो मेरे पास में 3 शैम्पू है, तो इनको हम खोल के अब इस डिब्बे के अंदर डालेंगे। तो इसमें से फॉर्म तो नहीं निकलेगा, फॉर्म जैसे ही निकलेगा शैम्पू फॉर्म तो बिल्कुल अलग ही आ जाता है। नहीं पता
तो ये हमने तीसरा शैम्पू भी डाल दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें पानी डालना है। तो फ्रेंड्स हमने फोम के जो है चिपका लिए। अब देखते हैं थोड़ा कितना फोम आता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स फोम जो है पूरी गाड़ी में अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं फोम। ये सो इससे हम पहले पूरी गाड़ी पे अप्लाई कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताता हूँ मैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जो अपनी गाड़ी है वो पूरी फॉर्म वॉश से कवर हो चुकी है। फॉर्म वॉश तो नहीं कहूँगा मैं, इसे सिंपल पानी वाला सिस्टम ही कहूँगा, क्योंकि फॉर्म वॉश अलग ही आता है वो सब आप लोग जानते ही हो। ये अपना नॉर्मल है, ठीक है, पर कोई ज़्यादा हाईफाई नहीं है, घर घर का काम हो जाता है मेरे तो। ठीक, मैं इसको इसके ऊपर कपड़ा मारने के बाद ही आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं हमारी जो बोलेरो वो चमक चुकी है बिल्कुल, मतलब वॉशिंग पूरी कर दी अपन इसकी। और ये मेटिंग की वॉशिंग करेंगे थोड़ी देर से। तो आप जैसे देख सकते हैं ये पूरा मटेरियल निकल रहा जो इसके अंदर था। तो आप देख सकते हैं इसको वॉशिंग कर दिया अपन ने। और इस आपको मेयर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा जो मैं बाहर दिखाऊंगा आपको। इसके अंदर मेयर इफेक्ट भी आ चुका है बिल्कुल अपना, जो अपन ने पॉलिश करी थी वो भी। तो चलिए अब इसको बाहर करते हैं, फिर बाद में बताते हैं। तो फ्रेंड्स गाड़ी हमने उधर रख दी है सुखाने के लिए ढलांग में, ताकि पानी सारा झड़ जाए। और अब हम जो है इसकी मेटिंग जो है वो धोएंगे। तो चलिए मेटिंग होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कमिंग टू बैक, तो ये अपन ने जो अपनी जो मेटिंग थी वो अपन ने धो ली, बिल्कुल चकाचक हो चुकी है देख सकते हैं आप। तो वापस हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी अब सूख चुकी होगी, उस पर कोरा कपड़ा मारना पड़ेगा, अगर नहीं मारेंगे तो। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो जो हमारा इंटीरियर है वो भी पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। इधर देख सकते हैं आप, इधर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो काला काला दिख रहा है सब धब्बे पड़ गए इस पर, निकलते ही नहीं है हम कैसे। और बाकी सब तो ठीक ठाक है। पीछे का भी आपको जो है वो वक्त दिखा सकता हूँ, इसमें देख सकते हैं पीछे भी आप बिल्कुल क्लीन है। ये सब तो ये कट गई है पूरी, सामान भरभर के लाते हैं। तो इसके अंदर मेटिंग डालने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसा लुक आएगा। फ्रेंड्स अभी जो मैं ग्लास एरिया जो है वो क्लीन कर रहे हैं, देख सकते हैं कितनी गंदी लग रही है, कितना ख़राब लग रहा है ये। तो इसको भी अच्छे से साफ करके आपको मैं आपको बताता हूँ। गैस पर भी हम क्लीन करेंगे ऐसे ही। सिंपल है पानी, नॉर्मल और कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारी बोलेरो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और धूल के बिल्कुल चमक 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 कर रही है। तो आप देख सकते हैं इसको हर तरफ से बिल्कुल लाइट वाइट जो भी है बिल्कुल सब खराब हो रहे थे, सब नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, क्योंकि बहुत दिन से गाड़ी चल रही थी, धोई नहीं थी इसको। अंदर से आप देख सकते हैं इसको, इसका मीटर, इसके जो ये टेप है, ये स्टीरियो इसका, ये भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इधर आप देख सकते हैं ये अपने डैशबोर्ड बिल्कुल क्लीन हो चुका है, माता जी की तस्वीर बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। यहाँ पर आप मिरर देख सकते हैं भी बिल्कुल क्लीन है यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको बताऊँ तो इधर ये जो हमारी मीटिंग है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है धुलकर।
यहाँ पे हमारी बिल्कुल गाड़ी जो बिल्कुल चमचम कर रही है, चमचमा चम हो चुकी है। मैं बोल नहीं सकता कैसे, कैमरे में भी इतनी नहीं दिख रही होगी। और ये सब कुछ इसका कमाल है, प्रेशर वेशर का आप भी ऐसा खरीद सकते हैं, 6-6.5 हज़ार रुपये में आ जाता है ऐसा प्रेशर वेशर। तो मेरी वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी है तो ऐसा लाइक कमेंट और शेयर करें, और ऐसा सपोर्ट बनाए रखें मेरे ऊपर। भगवान के आप लोगों की दया से हम आगे बढ़ सकते हैं, तुम्हारे आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे जा सकता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए।